नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें पौधों को जानना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पौधों को जानने से क्या मतलब। पौधे तो पौधे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घर के बगल में गुड़हल का पौधा होगा, गुलाब का पौधा होगा, चमेली का पौधा होगा, आम का पेड़ होगा, लीची का पेड़ होगा और फिर केले का पेड़ होगा। लेकिन इन सब में आपको अंतर तो दिख रहा होगा। गुलाब का पौधा, चमेली का पौधा और आम के पेड़, लीची के पेड़ और केले के पेड़ में कितना अंतर होता है। बस हमें आज यही अंतर समझना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सब पौधों को देखते ही हैं, तो आइए इसके विभिन्न भागों के नाम नीचे से दिए गए चित्र में लिखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में लिखते हैं। तो पौधे हम देखते हैं तो पौधों के भागों से भी हम परिचित होंगे कि पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होते हैं, जड़ होते हैं, जड़ पत्ती होती है, तना होता है, फूल होता है, शाखाएं होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि पौधों में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ये यहाँ देखिए, यह यहाँ से ऐसे दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये फूल को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, फूल। तो आप यहाँ तना लिखोगे, तना। और अगर छोटे से अगर आप ध्यान भी देते हो तो यह यहाँ एक फूल भी निकल रहा है, तो आप इसको फूल भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें से नया तना निकल रहा है, इसलिए आपको भ्रम नहीं रहना है। यह नया तना है तो आपको यहाँ तना ही लिखना है, यह तना है। और सॉरी, इसको शाखाएं बोलते हैं, तना नहीं, तना तो इसके मूल भाग, इसको तना बोलेंगे, ठीक ना। ये जो है बच्चों, ये तना कहलाएगी और ये इसकी शाखा है, तो इसको हम लोग शाखाएं बोलेंगे, या इसमें से जो एक शाखा जो निकल रही है तो इसको हम लोग शाखाएं बोलेंगे। तो आप यहाँ शाखाएं लिखेंगे, शाखाएं हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये यहां से यहां तक आई, तो वहां तक आई, तो ये क्या है, ये तना है, पौधों का तना। अब फिर यहां पर ये क्या है, ये इसमें से फूल निकल रहे हैं, फूल हो या फल भी आप कह सकते हैं, ये तो फूल जैसे नजर आ नहीं रहे तो यह फल ही होंगे। यह क्या निकल रहा है, फल निकल रहा है, या फूल भी ऐसे ही निकलते हैं। उसके बाद ये पत्ती है, आप यहाँ देखिए, यह पत्ती है, पौधों की पत्तियां, उसके बाद ये देखिए, ये जड़ है, क्या है, जड़। तो इस तरह से ये पौधों के भाग हो गए, जड़ हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, पत्ती हो गया और इसकी शाखाएं। ऐसे बहुत से पौधों में देखने को मिलते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं, कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखिए, गमलों में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं आप उनको ध्यान पूर्वक देखिए, उसमें तीन तरह का आपको मिलेगा शाख। साथ क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें हरे तने, तने हरे और कोमल है, जैसे धनिया और टमाटर के तने, ये क्या होते हैं, हरे हैं और कोमल होते हैं। और कुछ होती हैं झाड़ियां, झाड़ियां जैसे कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी और नींबू, ये क्या है, झाड़ियां हैं। और कुछ पेड़ होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, तो इनका तना कठोर होता है और मोटा होता है, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, ठीक ना। झाड़ियों की शाखाएं तने के आधार मतलब नीचे से, एक यहां से निकलती है, फिर यहां से निकलती है, फिर यहां से निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे झाड़ियों की शाखाएं। लेकिन पेड़ के जो शाखाएं हैं तने के ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका पेड़, ठीक, ऐसा। अब यहां से एक शाखा, यहां से दूसरी शाखा, यहां से तीसरी शाखा, ऐसे कर दी, तो ये शाखाएं हो गई और ये मोटा भी होता है। तो इस तरह से जैसे आम और नीम हो गया। अब यहाँ कुछ अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न भी दिए गए हैं कि नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। तो सबसे पहले हम यहाँ तीन समूह बना लेते हैं। एक समूह होगा शाख का और दूसरा होगा झाड़ी का
साग का समूह और तीसरा होगा पेड़ का समूह। तो हम इसमें लिख लेते हैं कौन पौधे साग में आएंगे, कौन झाड़ी में आएंगे और कौन पेड़ में। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इमली, चमेली, गाजर, पालक, गुलाब, पुदीना, नारियल, गुड़हल और जाम। तो अब हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि आप देखिए साग, साग में कौन कौन आएगा, साग में आ गया गाजर, पालक और पुदीना, फिर झाड़ी में चमेली, गुलाब और गुड़हल, उसके बाद पेड़ में आ गया इमली, नारियल और जाम। इस तरह से हमने इसको वर्गीकृत कर लिया। अब नेक्स्ट है कि साग का तना क्या होता है, डैश और डैश होता है। तो साग का तना हरा और कोमल होता है, क्या होता है, कोमल। ओके, अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, साग का तना हरा और कोमल होता है, यहाँ है ना ये, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है कि पेड़ की शाखाएं तने के कहां से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं, और झाड़ी की शाखाएं जड़ के पास से निकलती है, नीचे से निकलती है, तो पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है। तो इस तरह से हमने इसके सारे प्रश्न कर लिए, तो और पेड़ पौधों के बारे में जान भी लिया। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।